नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे नई शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक से मिले डी एड प्रशिक्षु डी एल टेट और सी टेट पास प्रशिक्षुओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है डी संयुक्त शिक्षा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने नेतृत्व में प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की प्रशिक्षकों ने बताया कि निदेशक ने कहा है कि विभाग के पास अभी पर्याप्त शिक्षक हैं ऐसे में नई शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है प्रशिक्षकों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 18 के बाद एक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है इससे डीएलएड बीटीसी टेट और सी टेट पास अभ्यर्थी में नाराज़गी है मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे अब देखिए जब भी हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की और मुख्यतः बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कहा था अभी इंतज़ार करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा उसके कई सारे कारण हैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं फिर से बना के डाल दूँगा देखिए क्या है कि सभी बच्चे परेशान हैं 2018 से भर्ती नहीं आई है कई सारे बैच पास हो चुके हैं और जब आपके पास डिग्री होती है लेकिन आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि, कि आपके पास कोई भर्ती नहीं है तो वो समस्या बहुत बड़ी होती है ये समस्या से हमने कुछ दिन ही केवल संघर्ष किया था लेकिन किस्मत की बात थी कि हम लोग पास होते ही हमको भर्ती देखने के लिए मिल गई वरना अगर समय अनुकूल होता तो शायद आज हम लोग भी आपके साथ इंतज़ार ही सिर्फ कर रहे होते इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सभी बिंदुओं पर लेकर वीडियो बनाऊंगा इसको ज़रूर देखिएगा अपने मित्र तो शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि अभी भर्ती का वाकई में आना आसान नहीं है लास्ट तक वीडियो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो